विधानसभा पहुंचे थे, मथुरा विधानसभा में किस प्रकार का क्या कार्यक्रम था? यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का प्रचार, भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनाने के उद्देश्य से, और हमारे यहाँ बसना विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय आपके भाई हमारे संपत अग्रवाल जी, जिनको जिताने के लिए हम आए, उनका प्रचार करने के लिए आए हैं, और पूरे सभी मानव समाज से अमर, खास करके सतनामी समाज जो अभी 5000 कार्यकर्ता एक इतिहास रचे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, और जिनको सबको संकल्प दिलाया गया कि आगामी जो चुनाव है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और हमारे जो संपत अग्रवाल जी है, भारतीय जनता पार्टी के जो लोकप्रिय प्रत्याशी हैं, उनको भारी बहुमत से जिताकर विधायक बनाएं। क्या धर्म गुरुओं के आधार पर राजनीतिक दल समाज को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रही है? धर्म गुरु और हम भी यहाँ के वोटर हैं, छत्तीसगढ़ के और भारत देश के हम भी निवासी हैं। हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि सरकार बनाने में हमारा भी योगदान रहे, और धर्म नीति और राजनीति दोनों एक साथ मिलते हैं तभी समाज और धर्म का विकास होता है, कोई अलग नहीं। आज आप भूपेश सरकार पर काफ़ी नाराज आए, नाराज नजर आए, बहुत तीखा हमला बोला है आपने, क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जो पूरा जनता को, हमारे समाज को सबसे ज़्यादा ठगे हैं, समाज का सबसे बड़ा अपमान किए हैं, समाज का सबसे बड़े जो अधिकार है उनका हनन किया गया है, तो इसलिए हम पूरा भूपेश जो सरकार है उसको उखाड़ फेंकने का संकल्प लिए हैं, और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनाने का संकल्प लिए हैं, और पहली बार कोई प्रधानमंत्री हमारे प्रदेश में आए और बाबा घासीदास जी की छत्तीसगढ़ को धरती बताकर इतना सम्मान दिए। आज तक 75 साल के आज़ादी में भारत देश में ऐसा कोई भी प्रधानमंत्री नहीं आया हमारे छत्तीसगढ़ में जो गुरु घासीदास बाबा जी को इतना सम्मान दे। वहीं दूसरी तरफ अभी बिलासपुर में भी आए थे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने, मैं जब उस मंच में उपस्थित नहीं था, उसके बावजूद भी मेरा नाम लेकर और पूरा समाज को सम्मान देते हुए संबोधित किए। अभी हम जगदलपुर गए थे, वहाँ भी गर्मजोशी से हमारा स्वागत किया गया, भेंट मुलाकात हुई, और आगे आगामी कार्यक्रम के लिए भी उन्होंने सहमति दी कि भी हम पूरा समाज के साथ हैं, समाज के विकास और उन्नति के लिए हम संकल्पित हैं। सतनामी समाज 2023 के विधानसभा चुनाव में किस तरह से भूमिका निभाएगी? सतनामी समाज जो है गुरु प्रधान समाज, और गुरु के आदेशों और निर्देशों पर पूरा सतनामी समाज चलते हैं, और सतनामी समाज जैसे गुरु बोलेंगे, जैसा दिशा निर्देश करेंगे, जहाँ पे गुरु खड़े हैं उनके साथ सतनामी समाज भी खड़े होते हैं, जैसा गुरु का निर्देश होता है उसका वो लोग पालन करते हैं।